गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनुच्छेद लेखन लेकर आई हूँ। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमान, कोई कहता है सिख और कोई कहता है हम ईसाई हैं, लेकिन रब ने हमें एक धर्म के साथ भेजा था, जो धर्म था इंसानियत। हम अपने द्वारा धर्म बनाए हुए को अपना कर कहीं रब के द्वारा दिया गया धर्म इंसानियत का धर्म तो नहीं भूलते जा रहे। अभी हाल ही में मैंने सुना आसिफा, जस्टिस फॉर आसिफा के लिए अपील काफ़ी लोगों ने की और मैंने भी की अपने हिपस्टार ऐप पर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसी पर मैंने एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा है जो ना केवल आपकी स्टडी में बल्कि मॉरल एजुकेशन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है कि मैं मुसलमान। इसी बात को लेकर आए दिन दंगे फसाद भी होते हैं और ना जाने कितनी ही जानें चली जाती हैं। देखिए एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान। इसी बात को लेकर आए दिन क्या होते हैं, दंगे और फसाद, और ना जाने कितनी ही जानें भी चली जाती हैं। आइए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कौन सा धर्म बड़ा है और कौन सा छोटा, ये सब तो हम इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। समझे बच्चों, कोई धर्म छोटा है और कोई बड़ा, ये सब कैसी बातें हैं जो हम इंसानों ने बनाई है। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इंसान होते हुए भी हम यह भूल बैठे हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। देखिए किड्स, रब ने हमें ह्यूमन बीइंग दैट मीन्स इंसान बनाकर भेजा और इंसान का सबसे पहला धर्म इंसानियत का ही होता है। अगर हम अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धर्मों का पालन करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, लेकिन साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने धर्म के साथ साथ इस धर्म को भी अपनाना है। एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हम हिंसा करें, लूटपाट करें, चोरी चकारी करें, लेकिन कुछ लोग छोटा धर्म और बड़ा धर्म कहकर धर्म के नाम पर झगड़े करते हैं और कुछ बुरे काम करते हैं और ये कहते हैं कि भाई सामने वाला इंसान अलग धर्म का है इसलिए हमने किया। तो अलग धर्म से पहले सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि सबका धर्म एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है। जिसने सबके लिए एक ही धर्म बनाया है वो है इंसानियत। इंसान के लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आइए इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ लें। कौन सा धर्म बड़ा है और कौन सा छोटा, ये सब तो हम इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इंसान होते हुए भी हम यह भूल बैठे हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आई होप किड्स आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति रखना। अगेन पढ़ते हैं, एक दूसरे का आदर करना दैट मीन्स रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति रखना दैट मीन्स लविंग एंड पोलाइट बिहेवियर होना,
किसी को हानि ना पहुंचाना, दैट मीन्स किसी को भी हमें लॉस में नहीं डालना, किसी का भी हमें बुरा नहीं करना, सब प्राणियों में ईश्वर का रूप देखना। हमें हर प्राणी को इसी तरह से देखना है कि उसको भगवान ने बनाया है और वह एक भगवान की रचना है, तो भगवान का पवित्र रूप है। आधी बातें इंसानियत के धर्म में आती हैं। आधी बातें मीन्स इसी तरह की सभी अच्छी बातें ही इंसानियत के धर्म में आती हैं, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आइए हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अहिंसा इस धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। आपने बच्चों सुना ही होगा कि गांधी जी भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते थे, और इसीलिए शायद उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो इंसानियत के धर्म में सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अहिंसा। पर जब इंसानों ने इंसानियत का धर्म छोड़ा, तब वह हैवान बन गया। सॉरी किड्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था बन गए। मैं 1 मिनट करेक्ट कर लूँ। बन गए। ओके। जब इंसानों ने इंसानियत का धर्म छोड़ा, तो वो इंसान नहीं रहे, हैवान बन गए। किड्स, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में राक्षस होते थे, घोस्ट होते थे, जो बहुत बुरे होते थे। लेकिन इस टाइम में राक्षस वगैरह नहीं है, लेकिन इंसान जो बहुत गंदे हैं, बहुत गंदी बातें करते हैं, बहुत बुरे कर्म करते हैं, वो एक तरह से हैवान ही है, इंसान के रूप में हैवान है। आइए आगे पढ़ते हैं। हिंसा, लूटपाट, चोरी, डाका, झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार ही उसका धर्म हो गया है। किसका धर्म हो गया है? हैवान का। और हैवान कौन है? वो इंसान जो इंसानियत का धर्म भूल चुका है। आइए इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ लें। अहिंसा इस धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। पर जब इंसानों ने इंसानियत का धर्म छोड़ा, तब वह हैवान बन गए। हिंसा, लूटपाट, चोरी, डाका, झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार ही उसका धर्म हो गया है। आइए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्वार्थ में अंधा होकर उसने अपने सारे जीवन मूल्य खो दिए। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ मीन्स सेल्फिश, कि मनुष्य आजकल क्या हो गया है, सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है, और उसको अपने फायदे के आगे किसी की जान ले लेना या फिर कोई भी बुरा कर्म करना बहुत ही छोटा लगता है। तो यही लिखा है, स्वार्थ में अंधा होकर उसने अपने सारे जीवन मूल्य खो दिए हैं। हे ईश्वर, यानी कि अनुच्छेद के अंत में मैं अपने ईश्वर से बात कर रही हूँ। हे ईश्वर, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे उत्तम रचना क्या है? इंसान। क्योंकि इंसान को ईश्वर ने एक ऐसा दिमाग दिया है जिससे वह बहुत सारी इन्वेंशंस कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, और वह हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ओके। इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सर्वश्रेष्ठ रचना किस स्तर तक गिर चुका है? दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। हे ईश्वर, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान किस स्तर तक गिर चुका है? उस गिरे हुए स्तर को शब्दों से बताने में हर कोई असमर्थ है। यानी कि इंसान के कर्म इतने बुरे होते जा रहे हैं कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम है, क्योंकि उतने बुरे शब्द मैंने आज तक अपने डिक्शनरी में पढ़े ही नहीं हैं, और बहुत से लोगों को नहीं पता उन शब्दों के बारे में कि कितने बुरे कर्मों को कितने बुरे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। अतः आप ही
सबकी रक्षा करें और सद्बुद्धि दें। अंत में मैं ईश्वर से प्रे कर रही हूँ कि जो इंसान इंसानियत का धर्म खो बैठे हैं, आप उनकी रक्षा करें और उनको सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि देने का मतलब ये है, और रक्षा करने का मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। सद्बुद्धि मीन्स उनको अच्छे अच्छे पथ पर लेकर जाएं, यानी कि उनको इंसानियत का धर्म याद दिलाएं। और रक्षा करें मीन्स उनको कुकर्मों से बचाएं। देखिए, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। हर राक्षस हर ऐवान का अंत बुरा होता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अंत बुरा ही होना है। तो इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ लिखा है कि आप उनकी रक्षा करें। रक्षा कैसे करें कि उन्हें कुकर्म करने से रोकें, ताकि उनका अंत अच्छा हो। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी। बाय द वे किड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। एंड साथ ही में, अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन थैंक यू अलॉट, एंड अगर नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्द ही ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।